इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आचार्य ओपी गुप्ता संस्कृत में आज आपके लिए लाया हूँ संधि का पाठ 4, यानी कि कल जो अपन चल रहे थे उसके आगे। तो कल जो चर्चा कर रहे थे अपन गुण संधि के ऊपर कर रहे थे कि गुण संधि क्या है, गुण संधि की परिभाषा हो गई थी अपनी। तो कल थोड़ी सी चर्चा अपन ने की थी उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि अदेन गुण सूत्र बताया था। कौन सा सूत्र बताया था? अदेन गुण सूत्र बताया था। यदि अपन से पूछा जाए कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है तो आपका उत्तर, आपको उत्तर देना है अदेन गुण है। यदि आपसे पूछा जाए गुणवर्ण कितने होते हैं तो आपको उत्तर देना है 3। आपसे पूछा जाए गुणवर्ण कौन से होते हैं तो उत्तर देना है ए ओ। और आपसे पूछा जाए गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा है तो आंसर देना है, उत्तर देना है आदगुण। गुण संधि की परिभाषा बताई थी कि ए आ के बाद ई आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर ए हो जाता है, ए आ के बाद ऊ आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर ओ हो जाता है, ए आ के बाद री आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर अर हो जाता, और ए आ के बाद में लिरी आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर अल हो जाता है। ये परिभाषा थी। इस परिभाषा के आधार पे अपन ने दो दो शब्दों को जोड़ा था। संधि विच्छेद जो शब्द थे अपने, यानी दो शब्द, उनको एक शब्द बनाया था। तो संधि की थी अपन ने, अब आज बात हुई और लास्ट में जाते जाते आपको बताया था कि संधि की पहचान। तो गुण संधि की पहचान क्या होती है, बिल्कुल वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो गुण संधि की पहचान अपनी क्या होती है उसके ऊपर देखिए। गुण संधि की पहचान, गुण संधि की पहचान, यहां पर अपन छोड़ के गए थे गुण संधि की पहचान पर कि गुण संधि की पहचान क्या होती है। और हमने बताया था क्या, यदि क्या किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में एक मात्रा, किसी भी शब्द में एक मात्रा, एक मात्रा कैसी, या तो एक ही या ओ की, एक ही या ओ की। यदि किसी भी शब्द में एक मात्रा, ठीक, यदि किसी भी शब्द में एक मात्रा अर्थात क्या, आपको ए दिखाई दे सकता है, ओ दिखाई दे सकता है, अर दिखाई दे सकता है, आपको अल दिखाई दे सकता है, इन चारों में से कोई भी, यदि किसी भी शब्द में एक मात्रा अर्थात ए ओ अर अल में से कोई भी दिखाई दे, कोई भी दिखाई दे, कोई भी दिखाई दे, तो वहाँ गुण संधि, तो वहाँ गुण संधि पहचानी जा सकती है, गुण संधि पहचानी जा सकती है। ये बात की थी, ठीक है। किसको छोड़कर? अपवाद को छोड़कर। हमने क्या बताया आपको कि अपवाद को छोड़कर, अपवाद को छोड़कर का मतलब है यहां पर कि किसी भी शब्द में, ध्यान रखे, किसी भी शब्द में क्या दिखाई दे, सबसे पहले तो एक मात्रा की बात की है कि सबसे पहले तो देखे कि एक मात्रा दिखाई देनी चाहिए, और वो एक मात्रा कैसी होगी, या तो ये वाली होगी, ठीक है, या कैसी होगी, ओ वाली, या तो ए वाली होगी या ओ वाली, ठीक, और वो एक मात्रा किसकी होगी, ए की होगी, ऐसे लगेगी, ठीक है, ओ की होगी तो ऐसे लगेगी, अर की होगी तो ऐसे लगेगी, ठीक है, तीन ही चीजें होती है ना अपनी, बस। अल वाला उदाहरण अपने को क्या गद्यांश में नहीं पूछा जाता, क्यों, अल के उदाहरण जो अल से बनने वाला शब्द होता है, अल आदेश वाला, उसका प्रयोग वाक्य में नहीं होता, इसका मतलब गद्यांश में नहीं आता। तो यदि किसी भी शब्द में ए ओ अर और अल में से कोई भी दिखाई दे तो वहां पर गुण संधि पहचानी जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या याद रखना, अपवाद को छोड़कर, क्या, अपवाद को छोड़कर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कल भी ले लिए थे वापस, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि पहचान किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो पहचान की अपन बात करें तो पहचान के लिए देखो आप क्या देखना,
आपको सी पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए? सी पॉइंट चाहिए, वो सी पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है। अब सी पॉइंट जो चाहिए तो सी पॉइंट में क्या होता है, सी पॉइंट में क्या होता है हमें, तो सी पॉइंट की अपन बात करें तो सी पॉइंट में क्या होना चाहिए, तो एक बार देखिए, बिल्कुल देखिए, सी पॉइंट में हमारा या तो ए होना चाहिए, या ओ होना चाहिए, या आर होना चाहिए, या अल होना चाहिए, ठीक है। यही बताया था सी पॉइंट, ए ओ आर ओल अल, ए ओ आर और अल, ये होना। और सी को किसमें बदलेंगे, ए प्लस बी में, सी को किसमें बदलेंगे, ए प्लस बी में बदलेंगे। अब आती है बात कि ए प्लस बी क्या है, सी क्या है, तो सी में ध्यान रखिए हमारे चार स्वर आते बेटा, कौन कौन से आएंगे, देखो ए आता है, ओ आर या अल, बस ये चार ही स्वर आएंगे और उसको अपने में बदलेंगे ए प्लस बी में। अब ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, तो ए प्लस बी का मतलब है कि जो हमारा ए वर्ण है, जो हमारा ए वर्ण है, अभी इस ए का निर्माण कैसे हुआ था, ए प्लस बी से, ए प्लस बी का मतलब ए आ प्लस ई ए से, बस वो है ए प्लस बी जो अपन ने चार स्टेप में बनाया था कि ए का निर्माण किया तो ए प्लस ई छोटी बराबर ए, ए प्लस बड़ी बराबर ए, आ प्लस छोटी बराबर ए और आ प्लस बड़ी बराबर ए, बस वही चारों स्टेप्स यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब आते उदाहरण के ऊपर, तो उदाहरण देखिए किस प्रकार से अपना होगा, तो देखिए शब्द जैसे हमने लिया, एक नया शब्द ले रहा हूं और ये बार बार पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शब्द पूछा जाता है अपने को, ध्यान रखिए वेरी मोस्ट, बिल्कुल ये वेरी मोस्ट उदाहरण। सबसे पहले देखो कि एक मात्रा है क्या बेटा, सबसे पहले देखो कि एक मात्रा है क्या, एक मात्रा है तो किसकी एक मात्रा, एक मात्रा का मतलब सी, सी पॉइंट को निकालो तो एक मात्रा किसकी है यहाँ पे, ओ की, किसकी मात्रा है, ओ की निकालिए। अब इधर देखो क्या, इधर देखो क्या, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा, फटाफट शेयर करो, आप शेयर नहीं करते, एक तो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा, तो कर भला तो हो भला, आप जितना ज्यादा भला करोगे दूसरे का, मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स के पास में पहुंचाओगे, है जब वो अच्छा मैटर देखेंगे तो आपको वो धन्यवाद देंगे, आपको दुआएं देंगे, ठीक है भाई, थैंक यू, क्यों, इसलिए कि आपने मेरे को एक अच्छा चैनल बताया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, किसी ने सब्सक्राइब अभी नहीं किया है जो भी अपने साथी उनको बोलो जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाए ताकि सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे। तो देखिए, तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर में कंजूसाई मत करा करो, शेयर में, लाइक में, सब्सक्राइब में, किसी में कंजूसाई नहीं, फैला दो इसको पूरे भारत में, ठीक है। अब इधर क्या बचा, प्राप्त हो, अब देखो तो में से वो निकाल दिया तो क्या बचा, प्राप्त बचेगा ना, लेकिन तय कैसा बचेगा, हलंत, तय कैसा बचेगा बेटा, हलंत बचेगा, तय कैसा बचेगा, हलंत बचेगा, ध्यान रखे, ठीक है। अब इधर देखो, हमने लिया प्राप्त, ऐसे कैसे हो गया, अब ओ का टुकड़ा करना है, किसका टुकड़ा करना है, ओ का टुकड़ा करना, ध्यान रखे जैसे ही टुकड़े के लिए मैं बोलूं तो आप समझ जाना, जैसे टुकड़े के लिए बोलूं तो आप समझ जाना, क्या समझ जाना, कि परिभाषा चाहिए, ठीक, परिभाषा क्या, जैसे ही मैं बोलूं तो तुरंत परिभाषा आनी चाहिए, ए आ प्लस ऊ ऊ बराबर क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए, ओ, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ आएगा, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या आएगा, ए या, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या आएगा, ऊ या ऊ, बस दोनों के मिलने पर क्या होगा, ओ, तो ओ अपना बन रहा है, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, पहले पद के अंतिम वर्ण में ए या आ लगाना है, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या लगाना, उ और उ, ठीक। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि रफ कार्य करना है, क्या करना है, रफ कार्य करना है, ठीक है। तो रफ कार्य किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए जो ट्रिक बताया उस ट्रिक को याद रखना अपन को, बोलो ट्रिक का नाम, बोलो ट्रिक का नाम, बोलो जल्दी जल्दी, रफ कार्य, ठीक है। अब बताओ रफ कार्य में क्या क्या लिखूं, जल्दी जल्दी बोलो, शेयर भी करते जाओ, लाइक भी करते जाओ, जल्दी जल्दी उत्तर भी देते जाओ, बोलो जल्दी बोलो, जय क्या लिखूं यहां पे, शाबाश, प्राप्त या प्राप्ता, क्या लिखू, प्राप्त या प्राप्त। अब बताइए दोनों में शुद्ध कौन सा लग रहा है, मैंने बोला जो सुंदर लगे वही शुद्ध होगा,
ठीक है, तो सुंदर क्या है जो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे आंसर आ जाए, तो प्रसुद्ध कौन सा हमारा प्राप्त, तो क्या टुकड़ा हुआ यहाँ पे, क्या टुकड़ा कर दिया। अब आता उदक शब्द, उदक के लिए भी रब कार्य करो, एक में छोटा जोड़ो और एक में बड़ा जोड़ो, एक में छोटा जोड़ो और एक में बड़ा जोड़ दिया। अब यहां पर ये नया शब्द आ गया बेटा, इसको अच्छी तरीके से याद करो कि उदक कौन सा आएगा, छोटा, उदक कौन सा आएगा, छोटा आएगा भाई। अब उदक का अर्थ होता क्या है, एक मिनट देख लो, उदक का मतलब होता जल, उदक का मतलब क्या होता बेटा जल। अब याद कैसे करना बेटा कि उदक का मतलब जल होता है, ठीक है, उदक का मतलब जल होता है, ठीक है। अब आती है बात कि जल में बताओ कोई मात्रा है क्या, सभी छोटे अक्षर है ना, सभी छोटे वाले शब्द है ना, यहाँ पे सब में छोटी है, देखो जे में भी आ रहा, ले में भी आ रहा, ठीक है, बस वही ध्यान रखिए कि उदक यानी जल होता है और उदक में सभी अक्षर छोटे आएंगे, सभी अक्षर कैसे आएंगे, छोटे आएंगे, इसलिए ऊ कैसा छोटा, उदक यानी जल होता है, जल में सभी अक्षर छोटे होते हैं, जल में कोई मात्रा नहीं होती, जल की कोई मात्रा नहीं होती, या फिर कोई मात्रा नहीं आता, छोटा ही आएगा, कर दीजिए इधर, इधर वाले को इधर जोड़ो, इधर वाले को इधर जोड़ो, ठीक है, क्या बन गया प्राप्त है, इधर वाले को इधर जोड़ेंगे क्या बन गया प्राप्त, तो क्या बन गया प्राप्त प्लस इधर वाले को इधर जोड़ो क्या बन गया उदक, प्राप्त प्लस उदक, ध्यान रखिए ये उदाहरण आता प्राप्त उदक है, कि प्राप्त हो गया है उदक जिसको वह, बहुरी समास में उदाहरण आएगा है, प्राप्त हो गया है उदक जिसको वह है, प्राप्त उदक यानी गांव विशेष के लिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते, ले लिया, चलते हैं उदाहरण लेते हैं अपन, दूसरा उदाहरण बेटा, बिल्कुल दूसरा उदाहरण लेते हैं, तो देखिए उदाहरण, बिल्कुल हमने उदाहरण ले लिया, बिल्कुल देखिए, मानवेतर उदाहरण के ले लिया मैंने, मानवेतर ये उदाहरण आ सकता है मानव से भिन्न, इसलिए आ सकता है, तो मानवेतर में देखो सबसे पहले एक मात्रा है क्या, सबसे पहले देखो कि एक मात्रा है क्या, सबसे पहले एक देखो भाई है क्या एक मात्रा, हो गई, अब बताओ किसकी है एक मात्रा, किसकी है यहां पे एक की, एक मात्रा किसकी है एक की, तो जो एक मात्रा उसको भी निकाल लो, एक मात्रा एक है उसको भी निकाल लिया, ठीक है। अब आती है बात इधर क्या बचा, क्या बचा इधर बोलो तार है, बिल्कुल इधर क्या बचा मानव, लेकिन मानव कैसा बचा देखो, वह में से एक को निकाल दिया, वह कैसा बचा हलंत, वह कैसा बचा हलंत ही बचेगा ना, बिल्कुल यहाँ पे मानव ऐसे कैसे आ गया, वह कैसा हो गया हलंत, ठीक है। अब किसका टुकड़ा करना अपन को, एक का टुकड़ा करना है, किसका टुकड़ा करना अपन को एक का। अब ध्यान रखे बेटा कि जो एक का टुकड़ा अपन कर रहे हैं तुरंत अपने को परिभाषा याद आनी चाहिए, सभी जगह एक ही ध्यान रखे, जैसे आए परिभाषा याद आ जानी चाहिए, है भाई कैसी परिभाषा आ जानी चाहिए, इधर देखो कि ए आ प्लस ई ई बराबर ए, ये परिभाषा याद आनी चाहिए, ए आ प्लस ई ई बराबर ए, ये परिभाषा याद आनी चाहिए, ठीक है। अब आती है कि परिभाषा याद आते ही देखो ये पहले पद का अंतिम वर्ण यही होगा ना, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होगा ई या ई, पहले पद का अंतिम वर्ण ए या उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई या ई, दोनों को मिलाते हैं तो ए हो जाता है, तो बिल्कुल। अब वही रफ कार्य आप करें तो रफ कार्य बिल्कुल ट्रिक का यूज जरूर करें, बार बार एक ही बात बोलो, ट्रिक का यूज करें देखो, ताकि मानव मानवा, हमने लिखा मानव और मानवा, दोनों में शुद्ध शब्द कौन सा, सबको पता है कौन सा होता भाई मानव, कौन सा होता है, तो मानव का अंत किससे हुआ यहां पे देखो ऐसे, यहां पे आ जोड़ा यहां पे ए जोड़ा, तो क्या हुआ ठीक, इतर शब्द पहले आ चुका आपके पास में, लेकिन फिर भी रफ कार्य कर लो, हमने लिखा इतर और इतर, रफ कार्य किया कौन सा शब्द, फटाफट बताओ ऊपर वाला नीचे वाला, इतर छोटे या बड़ी, छोटी वाले, ठीक ये ले लिया इधर, ठीक है जी। अब आती है बात इधर कि ए इधर वाला है तो इसमें मिला दो, ई इधर वाले में मिला दो, देखो भाई क्या बना, जल्दी जल्दी बोलो क्या बना, मानव प्लस इतर, मानव प्लस इतर, बोलो भाई कोई समस्या हुई है क्या, समस्या नहीं है ना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, इतर का मतलब क्या बताया था जल्दी बताओ, इतर का मतलब क्या बताया था कल, जल्दी जल्दी बताए, इतर का मतलब होता है भिन्न या, भिन्न या अलग है, मानव से भिन्न, मानव से अलग, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
ले लिया, चले आगे। अगला उदाहरण अपन लेते हैं, देखो उदाहरण लिया क्या हमने, कण्व ऋषि। क्या उदाहरण लिया? कण्व ऋषि लिया। कण्व ऋषि का संधि विच्छेद बताओ, फटाफट बताओ। कण्व ऋषि का संधि विच्छेद, कण्व ऋषि का संधि विच्छेद बताओ, जल्दी 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 बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, कण्व ऋषि का संधि विच्छेद बता दिया। बिल्कुल, अब इधर देखिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल देखो इधर। यहां पर क्या निकालेंगे, मैंने एक ही बताई कि अर वाला उदाहरण हमेशा मात्रा, देखो इसमें एक मात्रा है क्या? नहीं है ना, एक की भी एक मात्रा नहीं है, मतलब एक मात्रा का मतलब ए और ओ की तो दोनों ही मात्रा नहीं है। फिर क्या बताया, अर वाली मात्रा में कैसा आएगा, ऊपर रह आएगा, अल वाले में कोई आएगा ही नहीं, अल नीचे रहेगा। तो सबसे पहले तुरंत देखते क्या हो गया हमारा, क्या निकालेंगे, सबसे पहले अर निकाल दिया। बिल्कुल, इधर क्या निकालेंगे, फटाफट बोलते जाओ, क्या निकालूं, सी। बस आप बोलते जाओ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं क्या लिखना है वैसे वैसे बोलते जाओ। मैंने एक ही बात बोली है, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप सामने, मेरे सामने ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप उत्तर देते जाइए, आपका बिल्कुल एक तन्मयता से। बस बीच बीच में शेयर भी करते जाइए अपने साथियों को, लाइक भी करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, और उत्तर का थोड़ा ध्यान दो, ध्यान से उत्तर दे। इधर बोलो क्या बचा, कण्व है, लेकिन वह कैसा बचेगा, बोलो वह कैसा बचेगा, हलंत। क्या बोला आपने, हलंत। अब देखो क्या है, कण्व है। अब अर का टुकड़ा क्या करना है, अर का टुकड़ा क्या करना है बताइए। अब जैसे ही मैं आपको ध्यान रखे, जैसे ही पूछो अर का टुकड़ा क्या करना है, तो परिभाषा आपके दिमाग में आनी चाहिए, ध्यान रखना, परिभाषा आनी चाहिए आपके दिमाग, है ना भाई, बताइए। तो परिभाषा कैसी देख लो, ए आ के बाद में क्या जाए, री आ जाए तो क्या हो जाता है, अरे। ये परिभाषा आपके दिमाग में आनी चाहिए, जैसे ही री का टुकड़ा के पूछे कि री का नो अर का टुकड़ा क्या होगा, तो जैसे अर का टुकड़े की बात करें आपके पास में परिभाषा की, पहले पद का अंत्यवर्ण तो ए या आ होगा, और उत्तर पद का प्रथमवर्ण क्या होगा, री। देखो री के लिए बताया कि री वाले में जब जोड़ते हैं, जब केवल छोटी आती, केवल दीर्घ संधि के उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर री और री को मिला करके दीर्घ री करेंगे, ठीक बेटा। तो देखिए अब देखो रब कार्य, वही आप रब कार्य को ज्यादा देना बेटा महत्व, जो जो गलतियां आपसे होती है उसका, जो गलतियां आपसे होती है उसका समाधान आपका क्या है, है उसका समाधान केवल रब कार्य है, केवल ट्रिक ही उसका। जब मैंने खोज इसकी की है, इसका मतलब हमारी समस्याओं का समाधान भी यही है, रब कार्य। आपकी समस्याओं का समाधान रफ कार्य है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा रफ कार्य करें, जो शब्द आपको आते हैं उनका रफ कार्य नहीं करें, और जो शब्द नहीं आते उनका रफ कार्य जरूर करें, ताकि आपकी समस्याएं खत्म। तो कण्व होता है कण्वा, कण्व, कण्व होता है तो यहां पे क्या होगा, वह, ठीक है, वह में क्या मिला हुआ है, हो गया। री हमेशा ही मैंने कैसी बताई है, छोटी। री हमेशा ही कैसी बताई बेटा, छोटी, यानी कि री हमेशा ही छोटी है, इसका मतलब इसके बारे में कोई रफ कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो भाई री, ठीक, इधर वाले को इधर जोड़ो, इधर वाले को इधर जोड़ो, बोलो भाई क्या बना, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, कण्व प्लस ऋषि, क्या बोला, बोलो क्या बना, कण्व प्लस ऋषि, यही बनेगा ना, कोई समस्या, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ताकि अभी स्क्रीनशॉट बार बार में इसलिए है कि अपन जैसे नोट्स के रूप में ना फोटो, बिल्कुल फोटो में चलोगे तो पूरी पूरी आपकी ऐसे ऐसे खुलती जाएगी, स्क्रीनशॉट का मतलब ये पूरा का पूरा रजिस्टर खुलता जाएगा ऐसे कैसे, आप ये स्क्रीनशॉट का फायदा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो वीडियो देखेंगे जब, लेकिन अपन स्क्रीनशॉट वाली फाइल में अपन चलेंगे फोटो में, तो पूरा ऐसे कैसे चलता रहेगा, जैसे जैसे चलते जाओगे नोट्स खुलते जाएंगे, ठीक है, इसलिए स्क्रीन, ठीक है। चलिए आगे उदाहरण लेते हैं अपन बेटा, देखिए हमने लिया ममलकार,
क्या लिया हमने, ममलकार। ध्यान रखो बेटा, ये अलवारे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे अपन को, तवलकार ममलकार वैसे एक दो शब्दों के रहते हैं, बाकी तो अपन कितने भी बना सकते हैं, लेकिन पेपर में केवल एक दो शब्द, ठीक है, तो शब्द भी नहीं आएंगे क्योंकि इनका प्रयोग वाक्य में नहीं होता, तो वाक्य में नहीं होगा, इसका मतलब है कि उदाहरण ज़्यादा की जरूरत नहीं है। फिर भी देखो, अब देखो इसमें एक मात्रा है क्या, नहीं है ना, अर की मात्रा भी है कि रे की मात्रा, वो भी नहीं दिखाई दे रही। अब क्या बची अपने पास में, देखो एक मात्रा नहीं है, रे की मात्रा नहीं, इसका मतलब केवल अली बचा, तो सबसे पहले इसमें से मम में से अल निकाल दो, सबसे पहले अल निकाल दिया, निकाल दिया अल, बिल्कुल। अब क्या बचा शेष, अपने पास में बचा कार, क्या बचा शेष, कार बचा, ठीक है जी, इधर कार बचा, अब इधर क्या बचा बेटा, बताओ जल्दी जल्दी, इधर क्या बचा, मम, लेकिन मैं कैसा बचा, हलन, बताओ हलन भी बचेगा ना, देखिए इधर कार बचा, इसमें से अल निकाला, मैं में से ए निकाला था ना, ले ऐसे कैसे हो गया अपना, तो मैं कैसा हो गया, आधा आधा हो गया ना। अब आती है कि अल का टुकड़ा क्या करे, ध्यान रखिए अल का टुकड़ा क्या करे, वही बात आई आपके सामने, जैसे टुकड़े करने की बात करें आपके पास में परिभाषा आ जानी चाहिए, तो परिभाषा बोलो, ए आ के बाद में लिरी आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता भाई, अल हो जाता न, देखो ये परिभाषा आपके दिमाग में आनी चाहिए, आ गई परिभाषा, तो पहले पद का अंतिम वर्ण तो क्या होना चाहिए, ए या आ, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, लिरी होना चाहिए, ठीक, तो लिरी तो फिक्स हो गई, इसका मतलब छोटी लिरी है तो एक तो लिरी तो फिक्स हो गई अपनी। अब आता मम या ममा, ध्यान रखिए ये संस्कृत का शब्द बेटा, ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन जैसे आप लिखोगे है? लिखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा गुरु जी ममा तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल मम यानी मेरा, षष्ठी भक्ति में बनता है ये रूप, तो मम होता है, है? षष्ठी का एक वचन में बनता है बेटा, ठीक है ना, अस्मत शब्द का आया उसमें तव बनता है, युष्मत शब्द में ये बन, तो क्या टुकड़ा करा अपन ने, ए प्लस लिरी छोटी रहती है, इधर वाले को इधर जोड़ो, इधर वाले को इधर जोड़ो, बताओ क्या बना, मम प्लस लिरिकार, मम प्लस लिरिकार, बताओ कोई समस्या है क्या, है इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके उदाहरण भी नहीं आएंगे, तो दो उदाहरण याद कर लो, तवलकार ममलकार, तो भी काम हो जाएगा, बस दो ही उदाहरण याद कर लोगे तो भी काम पूरा हो जाएगा, कोई समस्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक, बिल्कुल। कल हाँ एक स्टूडेंट ने बोल रहे थे सर तवल इनका अल वाले का उदाहरण कीजिए, बिल्कुल बेटा इसमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस तवलकार ममलकार दो उदाहरण याद कर लोगे, रिट के स्तर पर काम है हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी आपकी इच्छा हो जितने उदाहरण चाहे बढ़ाए, ठीक है बेटा, लेकिन इतना ही होता है मेरा लिरकार, लिरकार का मतलब मेरा लिरी या तुम्हारा लिरी, कोई सा भी आदेश लगाओ ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बनते नहीं जबरदस्त, ठीक। हाँ उदाहरण कौन से बनाए, ए की मात्रा वाले बनाने, ओ की मात्रा वाले बनाने, अर की मात्रा वाले बनाने, वहां पर अपने को, ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते अपना। अब आता है हमारा आगे कि हमारे को किस प्रकार से उदाहरण बनेगा, तो देखिए अगला उदाहरण बिल्कुल अपन लेते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हर चीज, ठीक है ना, हर चीज का लो, देखिए हमने उदाहरण लिया, मान लीजिए उपेंद्र, क्या उदाहरण लिया हमने, उपेंद्र, ठीक है, महेंद्र, उपेंद्र, ठीक है, तो सबसे पहले ए की मात्रा निकालो, ए की क्या मात्रा है, ए की क्या मात्रा है भाई, इधर क्या बची, इंद्र, इधर क्या बचा, इंद्र, इधर क्या बचा, अब देखो पै में से एक ही मात्रा निकाल ली, तो पै में से एक ही मात्रा निकाल ली तो क्या बचा, पै, आधा, पै कैसा बचा भाई, ठीक है। अब आती है बात कि जो ए है, ध्यान रखे जो हमने ये लिखा है, ठीक है ना भाई, हलन, एक ही टुकड़े करने, जैसे टुकड़ा करने की बात करें हम, आपके दिमाग में तुरंत परिभाषा आनी चाहिए, तो ए का निर्माण किससे होता बेटा, ए आ प्लस ई ई, इसी से होता ना, ए प्लस ए आ प्लस ई ई सी, इसी से होगा ए आ प्लस ई ई बराबर है ए बनता है, क्या बनता है हमारा, ए बनता। अब इधर देखो, बिल्कुल इधर देखिए, हमने बना दिया उप और उपा, ए और आ जोड़ना था ना, पहले पद के अंत में ए और आप देखो कौन सा शुद्ध है, जैसे ही देखोगे तो दिख जाएगा, इंद्र वाला भी देख लो भाई, ये वाला आएगा या इंद्र बड़ा आएगा, कौन सा शुद्ध आएगा, हैं छोटा ही आएगा ना, तो क्या हो गया टुकड़ा, ए प्लस ई, क्या हो गया, ए प्लस ई, लिख दो ए प्लस ई,
ए प्लस ई, ठीक है। अब आती है बात किसमें, जल्दी जल्दी बोलो ना, पे में ए जोड़ दो क्या बना दो उपे, और द्र में ई जोड़ दो क्या बना दो इंद्र, क्या बन गया उप प्लस इंद्र। कोई समस्या, उतारो स्क्रीनशॉट ले लो, दे लिया। अच्छा आगे चलते हैं अपन, ठीक है जी। अब आती है क्या है, हैं क्या है भाई समस्या, कौन सा उदाहरण, कैसे ले उदाहरण है, तो ध्यान रखिए उदाहरणों की कोई चीज नहीं, फिर भी आप अलग अलग और लेते हैं, ठीक है। उदाहरण लिया ग्रीष्म ऋतु, ये भी पूछा जाता है, ऋतु वाला भी शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु वाला भी। सबसे पहले ऊपरी एक मात्रा नहीं है, दो मात्रा नहीं है, है एक मात्रा नहीं है, अर की मात्रा दिखाई दे रही, अल भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब अर निकाल लिया, क्या निकाल लिया अर निकाल लिया, ठीक है। इधर क्या बचा अब बताओ, क्या बचा इधर, है तू अर निकाल लिया तो तू ही बचा ना, इधर क्या बचा, जल्दी जल्दी क्या बचा, ग्रीष्म, लेकिन मैं कैसा बचा, हलंत, हलंत ही बचेगा ना, बिल्कुल। अब आती है बात किसकी, बोलो अर के टुकड़े की, किसकी बात आती है, अर के टुकड़े की बात आती है कि अर का टुकड़ा क्या किया जाए, तो अर का टुकड़ा क्या किया जाए फटाफट बताइए, हम्म। अरे तो ग्रीष्म होता है ग्रीष्मा, अर का नाम लेते परिभाषा आ जानी चाहिए, ए आ प्लस री है, तो ग्रीष्म होता है ग्रीष्मा, जल्दी जल्दी बताइए, ए ग्रीष्मी होता है ना, री हमेशा ही छोटी, ठीक है। इधर वाले को इधर जोड़ो, इधर वाले को इधर जोड़ो, बोलो ग्रीष्म ऋतु का संधि विच्छेद बोलो फटाफट, ग्रीष्म प्लस ऋतु, शेयर करते जाओ ज्यादा से ज्यादा, शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ अपने अपने दोस्तों को, बिल्कुल जो भी अपने परिचित है अपरिचित है सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, मैसेज के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, है इंस्टाग्राम के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, जिसके द्वारा भी जो भी आपके पास में साधन है सबके द्वारा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बताओ, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लो, इसका भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलिए। देखिए भाई, शब्द लिया मैंने रमेश, शब्द क्या लिया रमेश, भाई सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो कि इसमें एक मात्रा है क्या, सबसे पहले देखिए इसमें एक मात्रा है कि बेटा, अब ये देखिए कि एक मात्रा किसकी है, फटाफट बताओ, एक मात्रा किसकी है, एक की, रमेश का संधि विच्छेद भी बता दो फटाफट, रमेश का संधि विच्छेद, बिल्कुल सही है, सही है, फटाफट जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही है, सही सही बताओगे ना आप, सही बताओगे इसके, तो सुना हुआ अभी शब्द है, बिल्कुल, तो फटाफट इसका क्या बतावे, संधि विच्छेद बताओ, ठीक है। अब इधर देखो, सबसे पहले एक की मात्रा निकाल दी, निकाल दी, इधर क्या बचा स, इधर क्या बचा स बचा, इधर क्या बचा र, मैं कैसा बचेगा भाई, आधा ही बचेगा ना, क्यों बचेगा आधा, क्योंकि यहाँ पर मैं में एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा निकाली तो मैं कैसा हो जाएगा, आधा, आधे को दर्शाते हैं हलन से, रम ऐसे कैसे हो गया। अब आती है बात कि एक के टुकड़े क्या किए जाएं, जो ए स्वर है इस एक का टुकड़ा क्या किया जाए, तो एक का टुकड़ा के लिए परिभाषा आपके पास में होनी चाहिए, क्या परिभाषा आनी चाहिए आपके पास में, परिभाषा आनी चाहिए कि ए आ प्लस ई ई बराबर ए, इसका मतलब पहले पद का अंतर्वर्ण क्या होगा ए या आ, उत्तर पद का प्रथम क्या होगा ई ई, तो रब कार्य करें, दो ट्रिक को अपनाओ, ध्यान रखें ट्रिक को अपनाते जाओ, और ट्रिक को अपनाएंगे देखो, एक रम ले लिया, एक रमा ले लिया, एक क्या ले लिया रम ले लिया, एक रमा, अब बताओ रम सही है रमा है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं गुरु जी रम भी सही है, क्यों रम 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 पीते हैं ना उनको वो दिमाग में, नहीं बेटा है रम का ईश नहीं स्वामी नहीं, अरे हाँ रमा, रमा यानी लक्ष्मी होती है, रमा का मतलब क्या होता है लक्ष्मी होती है बेटा, रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी, ठीक है ना, हाँ रमा का मतलब होता है लक्ष्मी। दूसरा ले लो ई छोटी,
ई बड़ी, अरे फटाफट करो बेटा, ज्यादा ज्यादा शेयर करो रे, लाइक करो। देखो बेटा इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो उसका है, ये मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता चले। मैंने बोला था जो अध्ययन कर रहे हैं उनको तो है ही, जो अध्यापन कर रहे हैं वो भी मेरी वीडियो को देखो, उनको भी बहुत कुछ इनमें से मिलेगा जो कि वो उनके क्लासरूम में स्टूडेंट्स को, छात्रों को बता सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करो, शेयर करा करो, क्योंकि शेयर करोगे जब भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, तो बताओ जल्दी जल्दी कौन सा ईस या ईस, तो ध्यान रखे ईस। तो क्या क्या किया, आ और ई, तो इधर करो आ प्लस ई, कर दिया। इधर वाले को इधर में मिलाओ, उधर वाले को उधर में मिलाओ, मैं आ मिला दिया, क्या बन गया रमा, क्या बन गया रमा, और सै में ई मिलाओ, क्या बन गया ईश। तो रमा यानी लक्ष्मी का, ईश यानी स्वामी, जो लक्ष्मी का स्वामी होता है उसको बोलते हैं रमेश, और लक्ष्मी का स्वामी कौन होता है, लक्ष्मी का स्वामी कौन है, विष्णु जी। तो रमेश किसको बोलते हैं, विष्णु जी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, विष्णु जी को बोलते हैं। बिल्कुल उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब कोई समस्या किसी को, किसी प्रकार की कोई, भाई देखो जोड़ने और तोड़ने में कोई समस्या है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल। तो ये तो हमारा हो गया जोड़ना और तोड़ना बेटा, ठीक है। अब आते हैं अपवादों की बात, अब आते हैं गुण संधि के अपवाद की बात करेंगे कि गुण संधि के अपवाद कौन से होते हैं। अब आती है बेटा अपवाद क्या होते हैं, अपवाद क्या होते हैं बेटा, है? अपवाद किसको कहते हैं, अपवाद किसको बोलते हैं बेटा, जो नियम को नहीं मानते, किसको बोलते हैं बेटा, जो नियम को नहीं मानते, जो नियम को तोड़ते हैं, जो नियम को नहीं मानते, जो नियम को तोड़ते हैं, उनको बोलते हैं अपवाद। कहने का मतलब जो हमारी परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार नहीं बनेगा। जैसे ए प्लस ई बराबर क्या बनता है, ए। अब ए प्लस ई बराबर ए न बन करके, ए प्लस ई बराबर ए न बन करके कुछ और ही बनेगा। जब और ही बनेगा इसका मतलब वो क्या हो गया, अपवाद हो गया, ठीक है बेटा। तो देखिए अपवाद की बात करते हैं, बिल्कुल। अब अपवाद की बात करते हैं तो हेडिंग डाल देंगे गुण संधि के अपवाद। ध्यान रखे गुण संधि के अपवाद में से प्रश्न पूछा जाता है बेटा, गुण संधि के अपवाद में से प्रश्न पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, बिल्कुल। अब देखिए अपवाद के बारे में किस प्रकार से, देखिए हमने लिखा प्र प्लस ऊढ़, क्या बनाया प्र प्लस ऊढ़, ठीक है भाई, क्या बना दिया प्रौढ़, क्या बना दिया प्रौढ़, ठीक। अब इधर देखो बेटा अपवाद क्यों हुआ, इधर देखो बेटा यहाँ पे क्या है बेटा ए, यहाँ पर क्या है बेटा ए, यहाँ पर क्या है ऊ, और ए और ऊ मिलकर के क्या बनता है बेटा ओ बनता है, क्या बनता है ए और ऊ मिलकर के क्या बनता है ओ बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया ए और ऊ मिलकर के ओ न बन करके क्या बन गया बेटा आउ बन गया, क्या बन गया आउ बन गया, ठीक है। इसलिए क्या हो गया अपवाद, इसलिए क्या हो गया अपवाद हो गया। तो अपवादों को आप डायरेक्ट ही याद रखें बेटा, ठीक है ना, क्योंकि इनको यदि बनाने बैठ जाओगे तो गलतियां भी हो सकती है, ठीक है। तो इनको ऐसे कैसे, प्र प्लस ऊढ़ी, प्र प्लस ऊढ़ी क्या प्रौढ़ी, ध्यान रखे है अपवाद क्यों, यहाँ पे भी ए और ऊ मिलकर के क्या बन गया औ, तो वृद्धि, जबकि होना क्या चाहिए गुण, तो दो मात्रा का मतलब होता है वृद्धि, अपवाद। प्र प्लस ऊ है, प्र प्लस ऊ है, यहाँ पे भी ओ की जगह क्या बन रहा है बेटा औ, ओ की जगह क्या बन रहा औ बन रहा, तो ये भी अपवाद है बेटा, ठीक है। पृष्ठ प्लस ऊ है, पृष्ठ प्लस ऊ है, यहाँ पे भी ए और ऊ मिलकर के, ए और ऊ मिलकर के ओ बनना चाहिए था, लेकिन औ बन गया, क्या बन गया औ बन गया बेटा, क्या बन गया यहाँ पे पृष्ठो है बन गया बेटा, ठीक है। विश्व प्लस ऊ है, विश्व प्लस ऊ है,
अब यहाँ पे भी ए और उ मिल करके, यहाँ पे भी ए और उ मिल करके ओ बनना चाहिए था, लेकिन क्या बन गया, औ बन गया, इसलिए ये भी अपवाद हो गया। बोलो भाई, तो अपवाद हो गया। तो देखो प्र प्लस उड प्रोड, प्र प्लस उड़ी प्रोडी, बोलते जाइए प्र प्लस उड प्रोड, प्र प्लस उड़ी प्रोडी, प्र प्लस उ है प्रो है, प्रश्न प्लस उ है प्रश्न है, और विश्व प्लस उ है विश्व। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और भी अपवाद है अभी, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया, चलिए आगे। स्व प्लस ईर, स्व प्लस ईर क्या बना दिया, स्वीर, क्या बना दिया, स्वीर बना दिया, ठीक है। स्व प्लस ईरिण क्या बना दिया, स्वीरिण। अब यहां पर क्या है कि ए और ई मिलकर के क्या हो रहा है, आई, ए और ई मिलकर के क्या हो रहा है, ए, जबकि हो क्या रहा है, आई। यहां पर भी ए और ई मिलकर के होना चाहिए था ए, लेकिन हो गया क्या, आई, इसलिए अपवाद है, ठीक। अब ये जो स्वेरिन लिखा, इस स्वेरिन का एक रूप और बनता बेटा, तो इस स्वेरिन का एक रूप क्या बनता है, स्वेरी, ठीक है। इसका अभी बताते हैं, स्व प्लस एक ईरिण, ये तीनों उदाहरण इससे संबंधित, ए प्लस ईरिण, ईरिणी, और क्या बन गया इसका, स्वेरिणी, क्या बन गया, स्वेरिणी बन गया, ठीक है। अब एक बात मैं आपसे कर रहा था बेटा कि अभी रुक जाओ, ठीक है, तो अभी रुक जाओ, तो वो रुकना क्या था, तो देखिए रुकना ये था कि यहां पर जो आपका स्वेरिन बना था, उस स्वेरिन का स्वेरी रूप बन गया, क्या रूप बन गया, पे स्वेरी। तो एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या कि गुरुजी ये जो न आया, इस न का क्या हो गया, ये जो न आया इसका न का क्या हो गया, तो एक जिज्ञासा हुई। तो इसके लिए एक नियम बता रहा हूं आपको बेटा, ठीक है, एक छोटा सा सामान ध्यान रखे, रीट के स्तर के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, इसका सूत्रों की बातें कम करूंगा, जहां पे जरूरत है वहां पे सूत्रों की बात, जिन सूत्रों की आवश्यकता नहीं है वहां पे। तो एक सामान्य नियम है क्या कि पदांत ने नियम है कि पदांत ने का लोप होने पर, पदांत न का लोप, पदांत न, ध्यान रखे न है ये, पदांत न का लोप होने पर उससे पूर्ववर्ती, उससे पहले वाला, उससे पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या नियम है कि पदांत न का लोप होने पर उससे पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है, यानी कि ये जी न का लोप हुआ, इधर देख लो, जैसे मान लो हमने लिया स्वेरिण, क्या लिया हमने बेटा, स्वेरिण लिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, न का लोप कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, न का लोप कर दिया। अब न का लोप करा तो इससे पहले यहाँ पे क्या आया, ई, यहाँ पे क्या आया, ई, तो जो ई आया है, इस ई को छोटी के स्थान पे क्या हो जाएगा, बड़ी, छोटी के स्थान पे क्या हो जाएगी, बड़ी, जब बड़ी हो जाएगी तो ये क्या रूप बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ये स्वेरी, क्या बन जाएगा, स्वेरी बन गया, क्या स्वेरी, बिल्कुल, जो ये स्वेरी बना, यही स्वेरी, यहाँ पे देखो भाई कि यहाँ पे ल का लोप हो गया, न का लोप होते जो ये पहले वाला जा, ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया, क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो इस वाले के नियम को याद रखिए कि जहाँ पर भी न आएगा, यदि उसका लोप हो जाता है, तो उससे पहले वाला जो स्वर होगा वह दीर्घ हो जाएगा, ए होगा तो आ हो जाएगा, ई होगा तो ई दीर्घ हो जाएगी, ऊ होगा तो ऊ दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक फटाफट, ले लिए, चलिए अब और उदाहरण देखिए अपन, बिल्कुल इसमें और उदाहरण है अभी अपवाद के, तो अपवाद के जो उदाहरण है वो देखिए। अब मुख्य एक उदाहरण आता, ये वाला प्रश्न, ये वाला उदाहरण पूछा जाता अपन को, अक्ष प्लस उहिनी, ये वाला उदाहरण सभी एग्जाम्स में, संस्कृत के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो रीट हो, सी टेट हो, एम पी टेट हो, यू पी टेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, थर्ड, कोई सा भी एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है, बिल्कुल ये वाला। एक प्रोड,
एक प्रोड को भी ध्यान रखिए, प्रोड भी पूछा जाता है एक्सोनी। तो एक्सप्लस उहिनी जो है इसको देखो, इसका रूप बना है अक्सोहिणी। इसका क्या रूप बना बेटा? अक्सोहिणी रूप बना। क्या रूप बना? अक्सोहिणी रूप बना बेटा, अक्सोहिणी रूप बना है। अब ये देखिए बेटा, अक्सोहिणी बनते हैं, आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहे हैं बताओ? अक्सोहिणी को देख करके कुछ आ रहा है क्या? देखो अक्सोहिणी को देख करके सबसे पहले तो देखो, यहां पे ए और यहां पे ऊ है, तो ए और ऊ मिलकर के क्या बनता है बेटा? ओ। ए और ऊ मिलेगा, ए और ओ दोनों मिलकर के क्या बनता? ओ बनता है। लेकिन यहां पर क्या आ गया? औ। तो एक तो ये अपवाद का कारण हो गया कि यहां पे औ आया, इसलिए अपवाद हो गया। ठीक है, तो ये वाली जिज्ञासा तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये वाले परिवर्तन तो अपन प्रोड में, प्रोह में, प्रोडी में, विश्व में, पृष्ठों में, सब में करते आ रहे थे, इसलिए इसकी तो कोई विशेष जिज्ञासा नहीं हुई। लेकिन जिज्ञासा हो गई गुरु जी क्या, कि गुरु जी ये जो न का आपने जो न किया है, जो न का न किया है, ये समझ में नहीं आया हमें कि ये कैसे हो गया, नहीं आया ना? तो देखिए कहां पर है बेटा, ये कहां कहां पे होता है। तो इसके लिए एक नियम आप देख लीजिए, बिल्कुल उस नियम को आप दिमाग में हमेशा के लिए फीड कर लेना बेटा। क्यों? क्योंकि ये वाला नियम मैं बार बार बताऊंगा। अरे सिंपल तरीके से बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, कोई सूत्र उत्र को याद नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए क्या है, एक नियम है क्या कि री र स और स, इधर देखो बेटा कि न से पहले क्या, न से पहले शब्द में ये चारों अक्षर आ जाए, न से पहले यदि री र श श ये चारों अक्षर में से कोई सा भी अक्षर और शब्द में कहीं पर भी आ जाए, शब्द में कहीं पर भी आ जाए, तो जो ये न है ये किस में बदल जाता बेटा? ऋणय में बदल जाता। किस में बदल जाता है? ऋणय में। कि न से पहले शब्द में री र श श ये चारों अक्षर कहीं पर भी आ जाए, चारों में से कोई सा भी अक्षर कहीं पर भी आ जाए शब्द में न से पहले, तो न को क्या हो जाता है? ऋण हो जाता। तो इधर देखो अक्षरणी में, देखो यहाँ पे तो है ही नहीं ना, देखो इन चारों में से अक्षर है नहीं, ऊ ही नहीं में तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे न कर्ण नहीं हुआ। लेकिन अक्सोहिणी में अक्ष के साथ में वो ही नहीं जुड़ गया, तो यहाँ पे अक्सोहिणी बन गया। अब अक्सोहिणी जो बन गया, इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई अपनी, ये वाला शय जो क्षत्रिय वाला शय था वो यहाँ पे आ गया, और क्षत्रिय वाला शय आने के कारण यहाँ पर न के स्थान पर क्या हो गया बेटा? न। क्या हो गया? न के स्थान पे न। तो ध्यान रखना, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अक्सोहिणी का संधि विच्छेद कीजिए। ध्यान रखे, आपको जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि अक्सोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा। अब अक्सोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपके दिमाग में ध्यान रखे अक्स प्लस उहिनी आने वाली। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर लो आप? नल वाला नल वाली है, आदि संधि में रावण आएगा तो मैं नल वाला बताऊंगा। तो एक शब्द क्या होगा? अक्सोहिणी नल वाली। कैसे याद रख ली इसको कि अक्सोहिणी नल वाली है, कि न से नल वाला ही आएगा, न से क्या आएगा? नल वाला ही आएगा। या एक से भी आ सकते हैं कि अक्सोहिणी नीली, अक्सोहिणी नीली, इसमें नी से क्या आएगा? नीली वाला नी आएगा। दोनों में से कोई भी याद कर ले कि अक्सोहिणी नीली या अक्सोहिणी नल वाली। ठीक है, अब आती है बात कि ये तो फिक्स हो गया कि नकारना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है बेटा। क्या है इसमें? कुछ अपवाद भी है, तो उन अपवादों को अपन को याद करना पड़ेगा कि वो कौन से अपवाद है। देखिए इसमें अपवाद क्या है, देखो यदि री र श ठीक है और न के बीच में यदि कोई च वर्ग का अक्षर आ जाए, है ट वर्ग का अक्षर आ जाए, त वर्ग का अक्षर आ जाए, या स स आ जाए, यानी कि पांच पांच दस, पांच पंद्रह, दो सत्रह, ये सत्रह वर्ण आ जाए बीच में, तो न में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अपवाद को छोड़कर, किसको छोड़कर है? अपवाद को छोड़कर इसको याद कर ले वे, बिल्कुल रीट के स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड कोई सा भी, बस
कि बीच में चैवर्ग टैवर्ग तैवर्ग सह स आ जाएंगे तो न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। जैसे इधर देख लो उदाहरण कैसे, जैसे उदाहरण के रूप में भी देख लो उदाहरण कैसे, जैसे हमने लिखा दुर्जन, देखो न करना नहीं वाना है क्योंकि यहाँ पे चैवर्ग का अक्षर आ गया। हमने लिखा दर्शनम, देखो यहाँ पे भी नहीं वाना क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया सह, ठीक है ये परिवर्तन। क्लियर। इस नियम को याद रखे, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण भी है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम की है, दोनों चीजों को प्रयास। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बिल्कुल ले लिया, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते, यहीं पे हमारी गुण संधि खत्म होती है बेटा, बिल्कुल। आप प्रैक्टिस करें। अब बताओ भाई यहां तक किसी को कोई समस्या है? बिल्कुल समझ में आ गई तो थम, बिल्कुल थम कीजिए आप, बिल्कुल हाँ कीजिए, यस कीजिए, आ गया, जो भी लिखना चाहो लिखो, सबको आ गया, कोई समस्या हो तो बिल बोलिए, सबको आ गया, हाँ बोलिए, सबके सब आ गया, यस थम्बे बता दिए, थम से भी समझ जाऊंगा भाई आ गया, बिल्कुल। तो अपर आगे बढ़ते, अपर आवे, बहुत अच्छी बात। तो ये हमारी दीर्घ गुण संधि हो गई। अब आती है हमारी तीसरी संधि की बात बेटा, तो देखिए तीसरी संधि कौन सी और किस प्रकार से, देखिए बेटा इधर। अब आती है हमारी तीसरी संधि बेटा, हमारी तीसरी संधि का नाम है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ध्यान रखिए वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि हमारा है। अब सबसे पहले जैसे गुण संधि में हमने प्रश्न किए थे, बस वही प्रश्न यहाँ पर हम करेंगे और उसी के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो इसी के बाद में अपन बढ़ेंगे, उसमें पहला प्रश्न हमारा है, ध्यान रखिए वेरी मोस्ट, पहला प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न क्या है, तो सबसे पहले सूत्र की बात आती है, वृद्धि राज्य, जैसे गुण संधि में बात की थी वैसे ही वृद्धि संधि में अपन बात कर रहे हैं। तो हमारा सूत्र है वृद्धि राजेज, क्या सूत्र है वृद्धि राजेज, ये वृद्धि राजेज सूत्र क्या करता है बेटा, बिल्कुल वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र बतावर, बिल्कुल वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। आपसे पूछा जाए कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपका आंसर होगा वृद्धि राजेज। संज्ञा का मतलब का हमने कल भी बताया था, जैसे हमने बोला था गुण संज्ञा, तो गुण संज्ञा का मतलब गुण किसे कहते हैं, उसी प्रकार से हमने बोला वृद्धि संज्ञा, तो इसका मतलब होता है कि वृद्धि किसे कहते हैं। तो वृद्धि किसे कहते हैं, तो देखिए वृद्धि राजेज ये सूत्र है, कल हमने देन गुणा था, उसको टुकड़ा किया, एक एक अक्षर को निकाला, वैसे ही अक्षर यहां पर निकाल रहा हूं। तो देखो ध्यान से देखना, आत र में आ है और यहां पर द है, तो द का तय हो गया, तो एक अक्षर तो यहां पर एक शब्द तो निकलेगा आत। अब देखो द में आई की मात्रा है, तो यहाँ पे आई और चे हलंत है, चे निकाल दिया, ठीक, रामे से आ निकाल दिया, रे का विसर्ग हो गया, तो यहाँ पे क्या बना वृद्धि, क्या बना वृद्धि। तो जो वृद्धि राजेज सूत्र है, इस वृद्धि राजेज जो सूत्र है उसके तीन टुकड़े कर दिए अपन ने, कौन कौन सा, एक आत किया, एक ऐच किया, एक वृद्धि किया, कि आत ऐच को वृद्धि कहते हैं, आत ऐच को वृद्धि कहते हैं। अब आती है कि आत क्या होता, ऐच क्या होता, वृद्धि तो आता गुरुजी, ये आत और ऐच नया शब्द आ गया। तो बेटा देखो आत का मतलब होता आ, आत का मतलब क्या होता आ, और ऐच प्रत्यार है, ऐच क्या है प्रत्यार है, ऐच प्रत्यार कहां से लिया बताओ, चौथा सूत्र था आई औच, आई औच, जो ये आई औच सूत्र है, आई ओन रील रिक ए ओन आई औच, जो चौथा नंबर का सूत्र वहां से। तो देखो ऐच प्रत्यार, तो ऐच प्रत्यार में क्या क्या अक्षर आएंगे, आई से लेके चै तक, तो ए और ओ दो ही अक्षर आएंगे ना, देखो आई और औ दो ही स्वर आएंगे ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे आई और औ दो स्वर है, तो ये आपका आई आ गया और ये आपका औ आ गया, ठीक है। अब आती है कि वृद्धि वर्ण किसे कहते हैं, तो वृद्धि वर्ण किसे कहते हैं, तो आ आई औ को, आ आई औ को वृद्धि वर्ण कहते हैं, आ आई औ को वृद्धि वर्ण कहते हैं, आ आई औ को वृद्धि वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, देखो आ एक हो गया, आई दो हो गया, औ तीन हो गया, तीन हो गए। तो यदि हमारे से पूछा जाए
कि वृद्धि वर्णों की संख्या कितनी है, अपन से पूछा जाए कि वृद्धि वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर आप दे सकते हो, संख्या पूछे तो आंसर दे सकते हो 3। ध्यान रखे, पहला प्रश्न आपको वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाता है, वृद्धि राजेश बताएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि वृद्धि वर्ण कितने होते हैं, तो वृद्धि वर्ण 3 होते हैं। आपसे पूछा जाए कि वृद्धि वर्ण होते कौन से, तो आ आई औ को वृद्धि वर्ण कहते हैं। और इसी का एक सूत्र और है, ये अपने दो सूत्र है इस वृद्धि संधि में, तो दोनों सूत्रों की बात, जो वृद्धि रेचि सूत्र है, दूसरा सूत्र आता हमारा वृद्धि रेचि, ये वृद्धि रेचि जो सूत्र है ये वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, वृद्धि संधि विधायक सूत्र, वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे प्रश्न बनेगा कौन सा, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र पूछे अपन से, ध्यान रखिए वृद्धि संधि विधायक सूत्र अपन से पूछे तो आपको आंसर देना है कौन सा, वृद्धि राधेश। आपसे पूछे वृद्धि वर्ण कितने हो, तो आपको आंसर देना आ, संख्या पूछे तो 3, और कौन से होते तो आ आई और औ, और आपसे पूछे वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको देना वृद्धि रेचि। ध्यान रखे रीट में जो क्वेश्चन आएगा वो केवल उदाहरण देकर के पूछा जाएगा अपन को, जैसे दे दिया वसुदेव है, वसुदेव दे दिया, हितेशी दे दिया, सूत्र का नाम बता दिए, तो वहां पर बताएंगे वृद्धि रेचि। अब आगे की बात अपन करेंगे, आगे कल करेंगे इसकी बात कि वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण, उसके अपवाद, जोड़ना तोड़ना आदि सभी चर्चा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बिल्कुल। तो आगे की चर्चा अपन कल करेंगे इसके कि परिभाषा क्या होगी, उसके उदाहरण क्या है, पहचान क्या होगी, टुकड़े कैसे करेंगे, अपवाद कैसे करेंगे। तो आज यहीं पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। जय श्री कृष्ण, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, राधे राधे।